करेंगे वो है कि आरआरबी, ये रैली और रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ये था कॉल लेटर था, इसका कॉल लेटर जारी कर दिया। आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो और आप अपना मोबाइल से भी इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो और उसका एग्जाम सिटी डेट कब होगा, कौन सा स्क्रिप्ट में आपका एग्जाम का, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे को सारे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा चैनल है हाउ टू बांग्ला प्रो, इस चैनल पर आप नहीं हो तो प्लीज़ ये जो लाल वाला बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा दो, क्योंकि यूट्यूब आपको बेल आइकन नहीं दबाना से आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। तो चलिए वीडियो शुरू हो करता है। आपको बस किसी भी ब्राउजर में, दोस्तों ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको साइबर क्राइम में जाना नहीं पड़ेगा। क्यों मेरा बात, क्यों आप इतना स्मार्ट हो, जब आपके पास एक स्मार्टफोन है तो फिर आप क्यों साइबर क्राइम के पास जाओगे। आप अपना खुद का मोबाइल से भी कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, किसी के पास की भी जाने का जरूरत नहीं, बस सिर्फ आपका हाथ में एक फ़ोन होना चाहिए। तो जैसे ही आप गूगल किसी भी आप ब्राउजर में घुस जाओ, घुसने के बाद आपको बस सिर्फ ये जो है मेरा ब्राउजर मैंने गूगल में आ गया, तो गूगल में बस सिर्फ आपको सिंपल टाइप करना है आरआरबी। तो मैंने आरआरबी टाइप किया, जैसे ही आरआरबी टाइप किया इधर आप देख सकते हो आरआरबी का वेबसाइट है। आरआरबी करने के बाद आप लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद आपको फर्स्ट वाला जो कॉलम मिलता है ये वाला कॉलम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फुल अवेयरनेस, इसमें आपको क्लिक करना है। बस सिर्फ इसमें ही आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें आपको क्लिक करना है। तो मैंने फर्स्ट वाला में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो रेलवे, इंडियन रेलवे की जो इतना भी वेबसाइट है सब कुछ खुल गया। खुलने के बाद आप अपना जोन सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा जोन में अप्लाई किया था। तो मैंने गुवाहाटी जोन में अप्लाई किया था, तो मैं गुवाहाटी जोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने गुवाहाटी जोन को सिलेक्ट कर लिया। गुवाहाटी जोन को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो मतलब कि न्यू जो है एकदम फर्स्ट वाला कॉलम है जो है लॉग इन टू व्यू एग्जामिनेशन सिटी एवं डेट एंड डेट। आप देख सकते हो कि आपका एग्जाम सिटी डेट सब कुछ आप देख सकते हो। आपको बस सिर्फ सिंपल से एकदम फर्स्ट वाला जो कॉलम है आपको इसी में क्लिक करना है दोस्तों, बस सिर्फ आपको इसमें ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ठीक इसी तरह एक विंडो आपके सामने खुल जाएगा, ये जैसा विंडो है ऐसा ही विंडो खुल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बस सिर्फ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही बस सिर्फ आपको यहाँ पे डालना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपको इधर टाइप करना है। तो मैं भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे टाइप करना है। देखो तो आपको पूरा सब कुछ इधर दिखाई देगा कि मैं इधर सिक्योरिटी के लिए आपको जो देखते हो आपका एग्जाम का जो परीक्षा की सिटी है वो है सिलचर में है, स्टेट आसाम में मिलने वाला है। आपको एग्जाम का डेट, ये आपको एग्जाम का डेट और ये शिफ्ट नंबर, आपको एक नंबर शिफ्ट में मिलने वाला है। उसके साथ आपको एग्जाम का जो टाइम है वो आपको 90 मिनट का होगा एग्जाम का टाइम। आपका रिपोर्ट कितने बजे करना है, 7:15 को आपको रिपोर्ट करना है। तो आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो होगा 8:15 पे आपका स्टार्ट होगा। एग्जामिनेशन टाइम जो एंड होगा वो होगा 9 बजे आप एंड होगा। उसके लिए आपको अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हो तो आपको बासी प्रिंट में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको फिर एक बात बोलना चाहूँगा कि प्रिंट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका पढ़ने एक जो पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल ये सेव हो जाएगा। पीडीएफ फाइल सेव हो जाएगा आपका जो मोबाइल में है, आपका किसी भी हाथ में आपका जो पीडीएफ फाइल है वो सेव हो जाएगा। आप ऐसे इसका पीडीएफ फाइल भी सेव कर सकते हो। इसके बाद मैंने क्या किया, मेरा जो पीडीएफ फाइल है मैंने पीडीएफ फाइल में लॉगिन होने के लिए कोशिश करता हूँ। ये मेरा पीडीएफ फाइल है और ये आप मेरा देख सकते हो कि ये जो मेरा पूरा डिटेल्स है, मेरा जो सब कुछ मतलब है मेरा ये जो डिटेल्स है एग्जाम सिटी का एग्जाम कब होगा। ऐसे ही आप अपना जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो कॉल लेटर है ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू ब्रांड।